ये शाम के कुछ हसीन मंजर। तो आप देख सकते हैं कि चावल की फसल जो है वो कटी हुई है खेत में। अभी 3-4 दिन यहीं खेत में पड़ी होगी, तो जैसे ही ये खुश्क होगी फिर इसको थ्रेशर लगेगा। पहले ज़माने में ऐसा होता था, कहीं मैदान होता था खुला, वहाँ पे ये सारी फसल इकट्ठी करके फिर वहाँ पे ऊपर इसके जो है ना वो बैल चलते थे, फिर जो है वो चावल। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो वाक को तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो चुका है, अभी मुसलसल वाक भी हमारी चल रही है। तो हमने सोचा कि बहुत दिन हो गए, एक छोटा सा व्लॉग बनाए और वाक के दौरान ही, और जो गांव की पोजीशन है, अभी चावल की फसल भी उतर रही है, वो भी आपके साथ शेयर करें। तो ये हमारे गांव का मेन चौक, आप देख सकते हैं ये मेन रोड है। तो यहाँ पे बहुत ही रौनक लगी हुई है, पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो ये मेन रोड से हमारे गांव का खूबसूरत नज़ारा। तो ये गांव की बैक साइड है, तो यार आज का व्लॉग हम यहीं कंप्लीट करते हैं। तो शाम के मंजर आपको देखा है किस तरह के होते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो यूट्यूब की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसमें अभी तकरीबन जो है वो सब्सक्राइब तो मैं बहुत दूर हूँ, अगर होना चाहे तो 1-2 दिन में भी हो सकते हैं। बाकी जो वॉच टाइम 4,000 जो वॉच टाइम होता है ना, तो मैं वो ने उसमें जो है वो मैं 2,000 के करीब हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसमें कोई ख़र्चा नहीं होता, तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। तो आज का व्लॉग जो है वो हम कंप्लीट करते हैं इस खूबसूरत सनसेट के साथ।